हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप दैट यू फाइन। वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। तो इस चैनल पर मिलते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक जो मैं यूज करता हूं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सबका और ये सबके लिए है वीडियो, क्योंकि बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज हम ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में आजकल यूज करते हैं, चाहे वो आपके फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका ड्रोन हो। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा मिथ्स हैं, इसका मतलब काफी गलत सोच है या इन्फॉर्मेशन पूरी काफियों को नहीं पता है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, 4 से 5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको इस वीडियो में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बैटरी जो है कैसे चार्ज करनी है और उसका फंडा क्या है, कि पूरी चार्ज करनी है या पूरी डिस्चार्ज करनी है, कि ताकि उसकी लाइफ ज्यादा हो सके, किस कारण से आपकी बैटरी की लाइफ खत्म जल्दी होती है, मतलब डैमेज जल्दी होती है बैटरी, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या चीजें, मतलब एक मिथ्स भी चले हुए हैं, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। आप बैटरी को एकदम समझ जाओगे आपके फोन की, आप लैपटॉप की या ड्रोन की इस वीडियो के बाद, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बैटरी की लाइफ हमेशा लंबी चलेगी अगर ये पॉइंट्स आपको पता लग जाएं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें अगर ऐसे वीडियोज आप चाहते हैं आगे फ्यूचर में देखना। तो मैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले सबसे बड़ा जो फैली हुई है बात की हमें क्या बैटरी पूरी डिस्चार्ज करनी चाहिए या पूरी 100% चार्ज करनी चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि पूरी 100% चार्ज करो तो आपकी लाइफ ज्यादा बढ़ती है, कई कहते हैं कि डिस्चार्ज पूरी मत करो, मतलब जब आपकी बैटरी 20% रह गई है तो उसको छोड़ दें और चार्जिंग पे लगा दें, कई कहते हैं पूरी डिस्चार्ज करो, जीरो तक ले जाओ और फिर आप उसको चार्जिंग पे लगाओ तो उससे लाइफ बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे फैली हुई है चीजें, तो अब मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लें बैटरी में होता क्या है। तो बैटरी में दो लेयर होती है, लिथियम ऑक्साइड लेयर, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लेयर, और ये समझ लीजिए व्हाइट वाली लेयर है लिथियम ऑक्साइड, कोई बैटरी ले लें उसमें लिथियम ऑक्साइड कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लेयर है, और इसके नीचे एक और हम लेयर ले लेते हैं, ये लीजिए ब्लैक, ये ग्रेफाइट लेयर हो गई, ठीक है। अब इनसे पैक आपका बैटरी, इन ये दोनों लेयर उसमें होती हैं। अब लिथियम आयंस कहाँ से आएंगे, ग्रेफाइट से निकलते हुए इस व्हाइट वाली लेयर यानी कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट लेयर में जाएंगे। जब ऐसे जाते हैं आयंस उसके अंदर पार्ट जिसका ये बना हुआ है, तो आपको एनर्जी मिलती है, आपका फोन जब चार्ज है तो ये जब आप उससे पावर ले रहे हैं, मतलब बैटरी चार्ज है उसको आप यूज कर रहे हैं, तो लिथियम आयंस ब्लैक लेयर से व्हाइट लेयर की तरफ आ रहे हैं, ग्रेफाइट से लिथियम कोबाल्ट की तरफ, ठीक है। और जब आप चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वापस हो रहा है व्हाइट वाले लेयर से लिथियम आयन वापस आपके ब्लैक लेयर में जा रहे हैं ताकि वो फिर से फुल चार्ज हो जाए। तो ये साइकिल, इसे कहते हैं साइकिल, जब एक बार काफी ब्लैक वाले में से व्हाइट में चले जाएंगे एक चार्ज साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जब उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो वापस आ जाएंगे, इसे कहते हैं एक साइकिल। तो एक बैटरी के अंदर ऐसे हजारों साइकिल की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप गलत चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो ये लाइफ टाइम कम हो जाता है बैटरी का, नंबर पॉइंट वन। अब मैं बताता हूं करना क्या है आप को, बेसिकली क्या होता है, जितनी भी कैपेसिटी है बैटरी की उसको कभी पूरा चार्ज नहीं करना चाहिए, समझ। अगर 100% है तो आप बेसिकली 90% तक करें तो उसकी लाइफ टाइम बढ़ेगा। अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी सब मालूम है, तो वो जो आपके फोन पे दिखता है ना 100% चार्ज हो गया, तो असल में वो आपको बता 90% पे वो आपको कट कर देते हैं कि पूरा चार्ज ना करें आप बैटरी। जो 100% आपको दिखा रहा है फोन पे कि 100% चार्ज है बैटरी, वो कभी भी कतई भी 100% चार्ज नहीं होती, वो 90% पे आपको इंडिकेशन दे देते हैं, उसमें सर्किट लगा होता है कि 90% के बाद चार्ज नहीं होना, इसलिए ताकि आपका ये जो सिस्टम है बना रहे, समझ आया। और जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज का भी यही है असूल है कि उसको कभी भी 0% तक मत ले। अगर आपने 100% कंज्यूम कर लिया तो जितने भी इसमें लिथियम आयंस थे वो सारे इसमें चले गए, तो जब अगर सारे खींच लेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेस, मतलब इसमें अगर आपने पूरा नहीं किया तो कुछ उसमें बेस बचेगा ना, एक स्ट्रांग रहेगा ये स्ट्रक्चर। अगर आपने इसका 100% चूस लिया, पूरा डिस्चार्ज कर दिया और वो सारे इसमें आ गए, और फिर जब आपने चार्ज किया तो वो सारे बैक इसमें दोबारा गए, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बार बार जब ऐसे करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना बैटरी का, तो वो आपका बेसिकली स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पूरी डिस्चार्ज नहीं करनी है आपने बैटरी,
10% या 20% जब रह गई है आपकी बैटरी, दिखा रहा है फोन, तब उसको चार्जिंग पे लगा दें। इससे क्या होगा, आपका जो इंटरनल जो दोनों लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहेगा। अगर लेयर्स का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहेगा तो आपकी बैटरी की लाइफ टाइम बढ़ेगा। तो दिस इज द सेकेंड मिथ, मैंने आपको बताया। दो मैसेज आपको क्लियर हो गए कि बैटरी आपको 100% चार्ज नहीं करनी, वो तो आपके लिए ऑटोमेटिक कंपनी ने किया हुआ है, ऑटोमेटिक सर्किट बना हुआ है, जब आपको 100% दिखाता है फोन चार्ज हो गया, वो असल में 90% चार्ज होता है। तो दैट मीन्स वहां पर एक आपने अपना लाइफ टाइम बचा लिया। नंबर टू, डिस्चार्ज का हाथ आपके हाथ में है, क्योंकि डिस्चार्ज का उन्होंने सर्किट नहीं लगाया। तो कभी भी अपनी किसी भी डिवाइस की बैटरी को 0% तक मत ले जाएं, अगर आप उसका लाइफ टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो। हमेशा 10% या 15% पे ब्रेक कर दें। ये चीज़ DJI के ड्रोन्स में है फ्रेंड्स, वो अपने आप तो बंद नहीं करता, लेकिन आपको एक बीप आती है 30% पे कि आपकी बैटरी लो है, नीचे उतार लें ड्रोन। तो वो ये इसीलिए किया जाता है कि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़े, ताकि आप 30% या 20% पे उसको नीचे उतार लें। लेकिन कई लोग, कई मेरे दोस्त अभी भी उसको पूरा उड़ाते हैं, 5 या 4% नीचे उतारते हैं उससे, फिर बैटरी स्वेल होनी शुरू हो जाती है। अब ये कारण है बैटरी स्वेलिंग का, उसका स्ट्रक्चर खराब होता है, क्योंकि लिथियम आयंस पहले उसमें इंटरनल लेयर से निकल के ग्रेफाइट लेयर में गए और पूरे उन्होंने चूस लिए, और फिर जब वापस रिस्टोर हुए चार्जिंग तरफ, तो वो जो स्ट्रक्चर बार बार ऐसे करने से बिगड़ जाता है और वो स्वेल कर जाती है, और आपकी बैटरी का लाइफ टाइम खराब होता है। तो ये दो मेन बातें हैं। तीसरा कि बैटरी की अगर हमें लाइफ टाइम बढ़ाना है, तो अगर किसी से कनेक्टेड है, फ़ोन की बात करते हैं, वाईफाई कनेक्शन से उसको कनेक्ट करके रखें, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि जहाँ पर अपना मोबाइल डाटा पे वो कनेक्ट करे, तो उसमें वो ज़्यादा खर्च होती है। तो इससे आप बैटरी प्रिजर्व कर सकते हैं कि नेटवर्क स्टेबल यानी मोस्टली वाईफाई को कनेक्ट करें, ताकि आपकी लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़े। और एक चौथा मिथ है कि अगर आप फोन स्विच ऑफ कर दें तो आपका लाइफ टाइम बैटरी ज़्यादा बढ़ेगा। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फंडा है जो लगता है हर टाइम, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, उसके बेसिस पे ही सब काम होता है। तो आपने मेन मैसेज इधर से यही लेना है कि आपने अपनी बैटरी को पूरा डिस्चार्ज नहीं करना, वो आपके हाथ में है। बाकी चार्ज भी पूरा नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली कंपनीज कर रही हैं, आपको 100% दिखाता है बट वो 90% चार्ज होता है, और उसके बाद उसको छोड़े मत। अगर आप छोड़ेंगे तो अगेन आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो उस समय भी आपका चार्ज डिस्चार्ज वाला जो मैंने आपको फंडा बताया, वो खराब करेगा स्ट्रक्चर को और आपकी बैटरी जल्दी खराब होगी। तो यही है तरीका सही से बैटरी यूज करने का, ऑलवेज डिस्चार्ज योर बैटरी टिल 10%, 10% या 20% रहेगी, 10% बेस्ट है, 10% रहेगी बैटरी, उसको चार्जिंग पे लगा दो, बेस्ट सोल्यूशन टू इंक्रीज योर लाइफ टाइम। बाकी सब मिथ है, क्लियर मैंने आपको कर दिया। हो आपको पसंद आया होगा वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, अभी लिखें, और अगर आपको कुछ और पता है बैटरी प्रिजर्व करने का तरीका तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो ये डिस्कशन होगी, शेयरिंग होगी। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।